नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो कि ना सिर्फ आपके बालों को एक नई लुक देगा बल्कि आपके बालों को बाउंसी बनाएगा और खूबसूरत बनाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है ना, किसी भी फंक्शन वगैरह में या वेडिंग में, तो हेयर स्टाइल बनाना बहुत ज्यादा मशक्कत भरा वाला काम हो जाता है। क्योंकि मेकअप तो आप फिर भी कर लेते हैं लेकिन हेयर स्टाइल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खासतौर से मेरे लिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेकअप तो मैं मिनटों में कर लेती हूं लेकिन हेयर स्टाइल बनाने में मुझे बहुत वक्त लग जाता है। खासतौर से अगर आपके लंबे बाल हैं या शॉर्ट हेयर हैं तब तो उनमें काफी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा लंबे बाल हैं तो आप सोचते हैं कि वैसे ही ओपन कर लिए जाए तो वैसे ही अच्छे लगते हैं आपके बाल। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसे टूल को शेयर करने जा रही हूं गाइस, जो आपके बालों को एक अलग ही लुक देगा, बाउंसी बनाएगा आपके बालों को और बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आप इसकी हेल्प से बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हेयर क्रिम्पर की। आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में है ये खूबसूरत सा हेयर क्रिम्पर। और इसकी पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छे से बबल रैप होकर मुझे रिसीव हुआ था। कहीं से भी कोई डैमेज नहीं था, कहीं से भी कोई टूट फूट नहीं हुई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे पैक होकर ये मिला था। तो आप देख सकते हो इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है और ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ही आता है। ग्रे और पिंक कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में था ये, एक्चुअली ग्रे सा कलर है कुछ। और 65 वाट इंस्टेंट हीट फ्लैट आयरन इनकॉर्पोरेटिंग आइकॉनिक एंड ओजोनिक टेक्नोलॉजी VNG सलून प्रोफेशनल। तो ये सब चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। तो चलिए मैं अभी इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये अंदर भी ये बबल रैप ही था तो मैंने इसकी जो पैकेजिंग है वो ओपन कर ली थी। जैसा कि आप देख सकते हो साइड पर, मैं क्लिप आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से मिला था मुझे, पैकेजिंग मुझे इसकी काफी अच्छी लगी है। इसका कार्डबोर्ड भी मैं ये संभाल कर रखने वाली हूँ क्योंकि मैं इसी में ही टूल रखती हूँ अपने, जो भी मेरे हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड मतलब होते हैं ना, तो इस तरह के बॉक्स में उनके संभाल कर रख लेती हूँ। इससे वो खराब नहीं होते हैं और कोई भी डस्ट वगैरह उन पर नहीं चढ़ती है। तो गाइज ये इस तरह से ब्लैक कलर की पैकेजिंग में ही आता है और ब्लैक कलर का ही पूरा ये है इसका कवर, आप देख सकते हो। इसकी वायर की अगर बात करूं तो अच्छी खासी वायर की लेंथ है इसकी और इसकी परचेज लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको कुछ कोड मिल जाते हैं तो कोड की कोडिंग लिए आप परचेज कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को। तो ये देखिए, और इसमें आपको एक बटन दिया गया है। सो गाइस ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, पूरी ब्लैक कलर की इसकी आयरन है आप देख सकते हो। और यहां पर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। और जब इसका प्लग लगाएंगे तो यहां पर एक पावर का बटन दिया हुआ है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। और गाइस अगर मैं हीट की बात करूं तो इसमें आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। यहां पर हाथ लगाकर आपने नहीं देखना है, सिर्फ इस तरीके से अगर आप हाथ लगाकर देखेंगे थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कि गर्म हो चुका है। एक दो मिनट में ही मतलब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपने बालों को क्रीम कर सकते हो। तो मैं आपको कर दिखाती हूँ, इसका एक आपको डेमो भी कर दिखाऊंगी। और आप देख रहे होंगे गाइस, मैंने इस पर अभी दो दिन पहले किया था तो दो दिन बाद भी मेरे बालों में कुछ क्रीम्स बचे हुए हैं। बहुत ज्यादा शायद आपको नजर ना आ रही हो लेकिन हल्के फुल्के क्रीम अभी भी बने हुए हैं। तो जब तक अपने बालों को नहीं वॉश करेंगे तब तक ये क्रीम्स एज इट इज आपके बालों में रहेंगे। तो ये देखिए मेरे बाल कुछ आपको नजर आ रहे होंगे। तो चलिए मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ कि आपने इसे कैसे अपने बालों को क्रीम करना है। यहां पर आपको इसकी जो प्लेट दिख रही है गाइस, इस पर जिगजैग बना हुआ है जैसे शायद आप देख सकते हो, ये देखिए। तो इसी में ही प्रेस कर आपको बालों को अपने क्रीम्स करना है। तो चलिए मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं अपने बालों को क्रीम्स करने में तो आपको आसानी होगी अपने बालों को बीच में से पार्टीशन करके आप अपने बालों को आसानी से क्रीम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हो, अपनी मदर या सिस्टर की अगर आप हेल्प लेंगे तो और आसानी से पीछे के बालों को क्रीम्स कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आप थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर बालों को क्रीम्स करते हैं तो बहुत ही अच्छे क्रीम्स बनते हैं आपके बालों में। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ज्यादा बाल लेकर आप बालों का सेक्शन ज्यादा लेंगे क्रीम्स करेंगे तो वो उतने अच्छे से आसानी से क्रीम्स नहीं बनते हैं। और टेम्परेचर गाइस आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मैंने अभी तक सिर्फ जो है 220 डिग्री सेल्सियस पर ही मैंने इसे 220 टेम्परेचर मैंने इसका किया था तो बहुत ही अच्छे से क्रीम्स बन गए थे, आप देख सकते हो अभी तक भी क्रीम्स है। और ये मैंने दो दिन पहले यूज किया था, जब ये आया था तो मैंने सेम डे ही इसे यूज कर देखा था तो आप देख सकते हो अभी तक भी मेरे बालों में क्रीम्स जो है वो बने हुए हैं। तो मैंने अभी तक 240 डिग्री पर तो मैंने इसे नहीं कर देखा है, वैसे अगर आप चाहें तो कर भी सकते हो। 220 तक आई थिंक आपको ठीक रहेगा मिनिमम जो टेम्परेचर है, तो आप 220 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्रीम्स कर देगा। और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हो, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है आप देख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे प्लग कर दिया है, इसका प्लग लगा दिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है। तो अभी मैंने इसका टेम्परेचर 240 डिग्री पर किया हुआ है तो इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो अपने अकॉर्डिंगली भी बटन को ये देखिए
आई एम श्योर आप देख पा रहे हो, मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस कर रही हूँ तो इसका टेम्परेचर सेट हो जाता है जिस पर भी आप करना चाहते हो। ये देखिए, इस तरह से आप टेम्परेचर जो है इसका सेट कर सकते हो। मैं इसका 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर रही हूँ और इस पर मैं अपने बालों को आपको क्रीम्स कर दिखाती हूँ। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, कोई भी टैंगल नहीं होना चाहिए आपके बालों में। और अगर आप शैम्पू करने के बाद अपने बालों में क्रीम बनाते हैं ना गाइस, बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि आपके बाल उस टाइम पर बहुत ही सिल्की और स्मूथ होते हैं, तो बहुत अच्छे से क्रीम्स बन जाते हैं आपके बालों में। तो ये देखिए, इस वक्त मेरे बालों में आपको कोई भी क्रीम नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए, तो आपने इस तरीके से अपने थोड़े थोड़े सेक्शन लेना है बालों का और इसे प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आपने थोड़े थोड़े सेक्शन बालों के लेकर क्रीम्स कर लेना है अपने बालों को। आप देख सकते हो तो ये देखिए गाइस, कितने अच्छे क्रीम बने हैं मेरे बालों में, आप देख सकते हो। ये देखिए, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ये। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी इस प्रोडक्ट को परचेज जरूर कीजिए गाइस, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने ज्यादा एफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है और ऑनलाइन तो कितने अच्छे अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं आप जानते ही हैं। मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, इसकी परचेज लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं बालों को मैं एक बार और आपको क्रीम कर दिखा देती हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे क्रीम्स बनते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितने अच्छे क्रीम्स बन गए हैं मेरे बालों में, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल और मुझे ये टूल भी बहुत ज्यादा पसंद आया गाइस, मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप भी इसे एक बार जरूर परचेज कीजिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। और आप देख सकते हो गाइस, अगर आप क्रीम्स पर हेयर स्टाइल देखना चाहते हो कि इस तरीके से आप कैसे अपने बालों को अलग अलग तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस, मैं उस पर भी वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। दोस्तों, एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप अपने बालों में इस तरीके से क्रीम्स करते हैं या अपने बालों में इस तरीके का हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्ब मत कीजिए, अपने बालों में कंघी नहीं करनी है बहुत ज्यादा, नहीं तो आपके जो क्रीम्स है वो निकल जाएंगे, इस तरीके से क्रीम बने नहीं रहेंगे लंबे समय तक। तो आप कॉम्ब का ध्यान रखिएगा, कॉम्ब आप अच्छे से क्रीम्स बनाने से पहले अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब कर लीजिए और उसके बाद इतनी ज्यादा कॉम्ब करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। एंड में दोस्तों, मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगी यहां पर, जब भी आप अपने बालों को क्रीम करें तो आपके बालों में कोई भी तेल वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए। हाँ, आप अगर चाहें तो एलोवेरा जेल लगाकर अपने बालों को क्रीम्स कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बालों में तेल लगा है तो आपके बालों में अच्छे से क्रीम्स नहीं बनेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब भी आप क्रीम करें तो आप अपने बालों में अच्छे से शैम्पू जरूर कर लीजिएगा, कोई भी चिपचिपा पदार्थ आपके बालों में नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो आपके बालों में अच्छे से क्रीम्स नहीं बनेंगे। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा इस हेयर प्रोडक्ट का रिव्यू। पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।